अस्सलाम वालेकुम, विजन स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। मैं हूं कानिता इम्तियाज़। आज का हमारा ये प्रोग्राम जो कि हमने लेबर डे से मंसूब किया है, असल में लेबर डे है क्या, लेबर डे की हकीकत क्या है, क्योंकि हम खुशी मना रहे होते हैं कि वीक में लेबर डे जो कि 1 मई को छुट्टी का दिन आ रहा है, मगर उसी दिन जब हम अपने घर वालों के साथ बाहर आउटिंग के लिए निकलते हैं तो हम देखते हैं कि उसी लेबर डे वाले दिन एक वही मज़दूर जो कि अपनी सब्ज़ी बेच रहा होता है, एक मोची वाला जो कि अपनी मज़दूरी कर रहा होता है, तो तब हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये लेबर डे की छुट्टी जो हम मना रहे हैं क्या वो सिर्फ हमारे लिए है। तो कानिता, मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहूँगी कि जो लेबर डे हम मना रहे हैं इसकी हकीकत क्या है। बिल्कुल उरूज, जिस तरीके से आपने बात की लेबर डे के हवाले से, कभी भी नॉर्मल डेज में जब हम बात करते हैं तो ये ख्याल किसी के जहन में आता ही नहीं है कि यार इसका मकसद क्या है। बस वो छुट्टी आती है, वो दिन गुजरता है, अगले दिन फिर उसी तरीके से ज़िंदगी शुरू हो जाती है। जब इस शो के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे, ऑफिस में बातें हो रही थी, तो ऑन अ क्यूरियस पॉइंट मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मुझे पता ये चला, आज तक मुझे पता नहीं था, लेकिन पता ये चला कि ये बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ। 1986 में शिकागो में कुछ मज़दूर जब अपनी हकूक़ की जंग लड़ते हुए अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे, अपनी जानों की कुर्बानी दे दी, अपने ख़ानदान पीछे छोड़ गए जिनके लिए वो मेहनत करते थे, ये दिन उनकी याद में मनाया जाता है। इस चीज़ के ऊपर अगर हम गौर करें ना तो ये इट्स नॉट अ स्मॉल टाइनी थिंग, ये एक बहुत सीरियस इशू है। इस दिन को हम ऐसे ही गुजार देते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको लेके चलती हूँ एक सफ़र की तरफ कि मज़दूर की हकीकत क्या है, उसकी ज़िंदगी की क्या मुश्किलात हैं, क्योंकि इंसान तो वो भी है, ज़रूरियात उसकी भी वही हैं, रोटी उसको भी उतनी ही चाहिए, औलाद उसकी भी वही है। हमारे पास कुछ सवालात हैं, स्टूडियो में हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम इस हवाले से बात करेंगे आज। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आसिम रज़ा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा सत्ती, एंकर पर्सन हैं। सर, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बहुत शुक्रिया आसिम साहब और सिद्रा सत्ती के आप लोग हमारे शो में आए। सबसे पहले मैं आसिम साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपके ख्याल में मज़दूर क्या है? देखें, आप लोग जिस तरह भी बयान कर रहे थे, कानिता ने भी बयान किया, 1886 जो लेबर राइट्स के लिए जो मज़दूरों ने एहतजाज किया, जिसमें जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी या उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने उन पर वायलेंस किया, जिसमें वो शहीद भी हुए, कुछ ज़ख्मी भी हुए, उसमें उनका एक पुलिस वाला भी जो था वो भी शहीद हुआ। मतलब बात यह नहीं थी कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा था, मकसद ये था कि एक लेबर में और एक ग़ुलाम में तफरीक होनी चाहिए। और अगर हम उससे पहले के हालात देखें तो ये लेबर राइट्स का डे मनाया जाता है। लेबर बेसिकली कितने देर काम करेगी, उसके हकूक़ क्या हैं, उससे इंसानियत सोच सलूक ना किया जाए। आपने अक्सर किससे सुने होंगे कि जी भट्टा मज़दूरों को, भट्टों पे छापा मारा गया और कैद में इतने लोगों को आज़ाद कराया गया, तो ये वो ज़माने जाहिलियत के ज़माने की बात की जाती है, जब सिविलाइजेशन का वो जो दौर था वो नहीं था। और उसी को आगे लेते हुए मज़दूर को एज ए स्लेव ट्रीट किया जाता रहा। और आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारी जगहों पे, जिस तरह आजकल भी हम इस तरह की खबरों का, मैंने जिनका जिक्र किया, आती हैं, तो लेबर लेबर है, चाहे वो जिस कैटेगरी की भी है, उसमें कैटेगरीज हैं। एक वो लेबर है जिसको हम राज मेसन या मिस्त्री की बात करते हैं जो कि आपके घरों में काम कर रहा होता है, या वो सड़कों पर खांचा फरोश है, या अखबार का हॉकर जो है, या हर वो बंदा जो कि अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट सैलरी ले रहा हो, उजरत पे हो, जो बेसिकली उजरती जो होते हैं उनको ये कहा जाता है। और उसकी कैटेगरीज हैं कुछ, एक अपने स्टेटस के लिहाज से अच्छी जॉब्स में हैं वो है तो वो भी लेबर, और कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बिल्कुल आप कहते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन है बेचारे, जो कमाते हैं और घर जाके एक वक्त या दो वक्त का खाना खाते हैं। और उसकी मजदूरी का जो तयन है, वेज बोर्ड की भी बात की जाती है, तो वहाँ से मजदूरों के लेबर्स के हकूक का दिन शुरू हुआ और राइट्स की बात की गई। फिर उनको, उनसे टाइम कितना लेना चाहिए, उनकी छुट्टी वीक में कितनी होनी चाहिए, उनको रेस्ट टाइम कितना देना चाहिए, उनके सोशल बेनिफिट्स या सोशल सिक्योरिटी जो है उसके हवाले से क्या इकदाम हों, इन्वायरमेंट उनका कैसा होना चाहिए। कुछ जगहों पर तो बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें यूरोपियन कंट्रीज वगैरह उस साइड पर देखें,
तो बहुत ज्यादा उनको ऑर्गेनाइज वे में रखा जाता है, लेकिन वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो उस तरह जैसे हमारे पाकिस्तान में है उसी तरह होता है। तो ये वेरी करता है इलाके से, आपका आपके सोशल बैकग्राउंड्स के हवाले से बात की जाए, सिविक सेंस की जब बात की जाती है, कितना पढ़ा लिखा माशरा है तो वहाँ पर सलूक डिफरेंट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी इस पर बहुत काम होने की ज़रूरत है। आप ये देखें कि हम ये समझते हैं कि आज की छुट्टी जो है वो जस्ट एज अ कोई वीकेंड आ गई, हमने इंजॉयमेंट है, लेकिन इस पर रियलाइज़ करना चाहिए कि जो मज़दूर है, हम अक्सर अपनी मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसके वक्त पर नहीं दे रहे होते, उसके हकूक़ का ख्याल नहीं रखते, उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं खाने के हवाले से, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी पेंशन का एक सिस्टम होना चाहिए, उसके बच्चों की सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, हम उस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे होते। और अक्सर तो ये भी है कि आज के दिन भी मैंने देखा लोग काम कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो छुट्टी मना रहे हैं, जो कि मज़दूर, जिनको बज़ाहिर मज़दूर हम नहीं कह सकते, उसमें सफ़ेद पोश भी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड कॉन्शियस जो आला उहदों पर फाइज लोग हैं, तो वो भी मज़दूर क्योंकि अपने काम सर्विसेज के बदले में उसे, लेकिन उनका जो लाइफ स्टाइल है या उसका स्टैंडर्ड जो है वो मुख्तलिफ है। लेकिन जो वो बंदा है जिसने कमाना है और खाना है, वो तो आज के दिन क्यों छुट्टी करेगा, वो फाका तो नहीं कर सकता ना एक दिन। तो ये डिफरेंस है। आज आप अभी जाएं, आपको सड़कों पे फूल बेचने वाले भी मिलेंगे, गाड़ियां धोने वाले भी मिलेंगे, मोची अपना काम करता नजर आएगा, सड़कों की सफाई करने वाले जो स्वीपर्स हैं वो भी आपको नजर आएंगे, या घरों में जो काम करने वाले गार्ड्स हैं या उनके जो एम्प्लॉइज हैं या उनके नौकर जो हैं, जो सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, वो मेड्स वगैरह काम कर रही होंगी, तो उनके लिए तो आज का दिन कोई अहम नहीं है क्योंकि उनकी तो छुट्टी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आसम साहब आपने बात की, तो फिर जब उस लेबर के लिए छुट्टी ही नहीं है जिनके नाम पर बेसिकली हम ये दिन मनाते हैं, तो फिर इस छुट्टी का मकसद क्या हुआ? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तो उनकी याद में छुट्टी मनाई जा रही है ताकि इस दिन का एहसास दिलाने के लिए, एज अ रिफ्रेशर कोर्स। पूरी दुनिया में हर साल ये दिन मनाया जाता है, लेकिन इसमें मैंने कहा कि कैटेगरी है और हर कैटेगरी जो है वो उस सहूलत में उससे फ़ायदा उठा सकती है, और एक कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं कि जो सहूलत से फ़ायदा उठा ही नहीं सकती क्योंकि वो उन्होंने आज कमाना है तो आज रात का खाना खाना है। बिल्कुल, और वो सोशल सिक्योरिटीज के हवाले से देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, बहुत सारे ममालिक में अगर बात की जाए, बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उनमें भी ऐसा है कि वो अगर अर्न नहीं करेंगे तो वो अपना ब्रेड एंड बटर नहीं चला सकते। तो उस कैटेगरी को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और बिलो द पॉवर्टी लाइन जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ ममालिक में हर तरह के प्रोग्राम्स बनाती हैं, सिटीज़न जो आपकी जो सोशल सिक्योरिटी वगैरह का जो एक इशू होता है, आज वज़ीर आज़म ने भी मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर एहसास प्रोग्राम की भी लॉन्च की है मज़दूरों के लिए, फिर उसके अंदर उनके एनरोलमेंट की जाएगी, उनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, उनके बच्चों की पढ़ाई की बात की जा रही है। लेकिन एट लार्ज अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आबादी का तनासब भी उस तरह बढ़ता जा रहा है, तो हम सबकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। ये एक हमारा ऐसा सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं सोचना, सोसाइटी एट लार्ज यानी कि माशरती सतह पे हम सबको इस पे सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल आसिम साहब, जैसे कि अब हम सिद्धा सती की तरफ आएंगे कि जैसा कि आपने सुना कि आसिम साहब ने कहा कि मज़दूर लेबर डे क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि मज़दूरों की बहबूद के लिए क्या इकदाम होने चाहिए और आपके ख्याल में क्या हो रहे हैं? देखें, मज़दूर तो मज़दूर है, एक ऐसा तबका है जिसे आप कह सकते हैं कि जिन्होंने, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हर फील्ड में एक मज़दूर है, वर्क फोर्स इज़ अ मज़दूर। आप ऑफिस में जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग फॉर देयर ब्रेड अर्निंग, वो होते हैं, मतलब एक सोल अर्नर होते हैं। बात वही होती है कि देखिए, मज़दूर का जो बच्चा है ना, वो भी मज़दूर ही रहता है, वो स्ट्रगल करता है, उसका बाप उसको छोटी उम्र में ही जो है, अगर वो मैकेनिक है तो वो साथ ले जाएगा वर्कशॉप पे, वहाँ पे उससे वो जो काम वो कर रहा है वो उससे सिखाता है, कि उसको हुनर दे रहा है बेसिकली। आजकल के दौर में हुनर ही आपकी उजरत होती है, आपके पास हुनर है तो आप अपने घर पैसा लेके जाते हैं और आप कमाते हैं। बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। देखा जाए तो इस तरह के दौर में जो आजकल हो रहा है, सब ही परेशान हैं। मज़दूरों के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, जैसे कि आपने पूछा, तो उसके लिए जो आज हुकूमत ने ऐलान किया है एहसास प्रोग्राम का, जिसके तहत वो उनके हकूक़ को उजागर करेंगे, उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाएंगे, 115 पॉलिसीज़ का उन्होंने ऐलान किया है, तो वी रियली होप के इम्प्लीमेंटेशन भी हो, क्योंकि ऐलान तो करते रहती हैं, हर हुकूमत ऐलान करती है, प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं, फॉलो अप नहीं होता उन प्रोजेक्ट्स को, हम लॉन्च तो कर देते हैं लेकिन उनका फीडबैक जब हमें आना शुरू हो जाता है
और हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वो फेल हो जाते हैं. एक मजदूर एक ऐसा तबका है जिसने घर कुछ लेके जाना है. बिल्कुल ऐसे ही वो नहीं लेके जाएगा तो उसके लिए ऊपर से तो कोई इनकम नहीं आनी. तो यस, गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत बेहतर तरीके से स्ट्रेटजीज लाए और उन पर इम्प्लीमेंट करें और सबसे बड़ी बात उन प्रोजेक्ट्स का रिजल्ट भी देखें. बिल्कुल ठीक कहा सिद्रा आपने. इस पर मज़ीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. विल बी राइट बैक. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अरुज. अब जिस तरह आपने कहा कि जी सबसे अहम ज़रूरियात इसमें इस मामले में करने की क्या है, तो सबसे पहले तो वो सेंस, वो शऊर की बात है, अवेयरनेस की बात है कि इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया जाए माशरती सतह पे कि दफ्तर, घर, शहर, मुल्क या इदारे के अंदर जो लेबर है हमारी, अगर आप अपने घर में या मोहल्ले में या अपने शहर के अंदर एक दिन सिर्फ जो हमारे सफाई करने वाले जो लोग हैं, जो एक बहुत बड़ी फोर्स है, वो काम छोड़ दे तो शहर की सूरत क्या होगी. एक दिन आपके घर में आपकी मेड ना हो या आपके घर में काम करने वाला या गार्ड आपको गार्ड ना कर रहा हो तो आप इनसिक्योर होंगे, आपके घर की हालत क्या होगी. तो हम बज़ाहिर जिनको उजरत पर रख के काम करवा रहे हैं तो उनकी अहमियत का भी एहसास करें, उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल करें. बहुत सारे घरों में हमने देखा है आजकल वो मेड्स के ऊपर तशद्दुद करने के लिए, छोटे बच्चों के ऊपर, चाइल्ड लेबर की भी बात हो रही है, तशद्दुद के वाकयात की बात की जा रही है. ये एक ना सिर्फ क्राइम है बल्कि इंसानियत का कत्ल है, एक शख्सियत का कत्ल है. इसी बारे में मैं सिद्रा सती से जानना चाहूँगी कि आप लेबर डे के हवाले से आज क्या पैगाम देना चाहेंगी. मैं पैगाम ये देना चाहूँगी कि हमें इंडिविजुअली इसके बारे में सोचना होगा. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मजदूर हैं जो काम कर रहे होते हैं. ये दिन बज़ाहिर हम उनके लिए मना रहे होते हैं मगर वही उसी दिन में जदोजहद में लगे हुए होते हैं कि जी वो घर में कुछ लेके जाएं. मैं गई थी आज प्रोग्राम करने के लिए तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे मज़दूरों से बात की जिनके यही तासुरात थे कि हमें अच्छा तो लगता है लेकिन हमारे दिन को अमीर लोग जो हैं वो मना रहे होते हैं और हम जो हैं उस दिन भी निकले हुए होते हैं कि जी हमें कुछ मिल जाए और हम अपने घर खाली हाथ ना जाएं. तो बात ये है कि हमें बीइंग अ सिंगल पर्सन हमें अपने इर्द गिर्द रहने वाले उन मज़दूरों को देखना चाहिए. इंडिविजुअली हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए और जितना हो सके जो है हमें उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए क्योंकि बहुत सी जगहों पे मज़दूरों के साथ बहुत ही गलत सलूक किया जा रहा होता है. उन्हें इंसान नहीं समझा जा रहा होता. आप उनके पैसे उनको टाइम पे दें. कहते हैं ना कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कॉल है कि मज़दूर की उजरत उसका पसीना खुश होने से पहले उसको अदा कर दी जाए. तो आई थिंक हमें जिम्मेदार शहरी के तौर पे पहले अपने इन फराइज़ को पूरा करना चाहिए और फिर ही हम उनके हकूक को जो है वो. बहुत शुक्रिया सिद्रा सती, बहुत शुक्रिया आसिम रजा साहब. मिलते हैं हम जी अगले सेगमेंट में. विल बी राइट बैक. हवाले से आज मैं पढ़ रही थी तो किसी शख्स के कुछ अल्फाज, कुछ जुमले मेरी नज़रों के सामने से गुजरे कि दर्द, एहसास, ख्याल, ये मेहनत नहीं बल्कि प्यार है, ये कुर्बानी नहीं बल्कि ख्याल है. इसी बात के साथ मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद जंगवी साहब. अस्सलाम वालेकुम जाहिद जंगवी साहब, वेलकम करते हैं आपको शो में. लेबर डे के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि एक मजदूर और एक गुलाम में क्या फ़र्क है? बहुत बुनियादी फ़र्क है. गुलाम जबरन होता है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती. मजदूर अपनी मर्जी से करता है, वो चाहे उसको समझ आए कि ये काम मुझे करना चाहिए, इसका मुझे मुनासिब मुआवजा मिलेगा, मुनासिब माहौल होगा, तब वो करता है, अदरवाइज नहीं करता. बिल्कुल. लेकिन ये जो आज की मजदूरी है ये है असल में वही गुलामी की थोड़ी सी जदीद शक्ल है, ज़रा इसमें फूल बूटे लगा दिए. लेकिन इसमें अब गुलामी ये नहीं है कि जिस्मानी गुलामी,
अब चूँकि उसकी मजबूरियाँ हैं, सो उस मजबूरियों की वजह से आप उसको गुलाम नहीं कहिए, ज़रूरत कहिए, जो भी कहिए, तो वो काम कर रहा है। बिल्कुल। और ये जो हमारे यहाँ एक तसव्वुर मौजूद है ना कि मजदूर वही है जो वो गारा उठा रहा है, मिट्टी उठा रहा है, ईंटें उठा रहा है, हमारी तमाम और आप जैसे तमाम जितने मीडिया वाले हैं, इन्होंने एक नई काम पकड़ लिया और वो ये कि जी अच्छा जी मजदूर वो है जो गारा मिट्टी का काम कर रहा है, वो कोई और कोई हाथ से मेहनत कर रहा है। ये अल्लाह मियां ने सिर्फ हाथ ही नहीं दिए इंसान को, बिल्कुल, ये तमाम हवा से खमसा भी दिए, अक्ल भी उसी ने दी है। बिल्कुल। जो अक्ल से काम ले रहा है वो उससे कोई कम काम नहीं कर रहा उस मजदूर से, सो वो कलम की मजदूरी कर रहा है, कोई किसी अपनी जहानत की कोई कोई चीज़ वो लिख रहा है, जो भी क्रिएटिविटी कर रहा है। दो तरीके हैं, एक क्रिएटिविटी का काम है और दूसरा मजदूरी है। सो जो मजदूरी है, मजदूर को अगर आप ज़रा एक साइड पे करें, उसकी जगह मशीन लगा दें वही काम करेगी, रोबोट लगा देंगे तो वही काम करेगी, वेयर एज कि जो जहन से काम लेना है वो मशीन नहीं कर रही। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि और बहुत सारी चीज़ें गलत उलाम कर दी हैं आप लोगों ने, कुछ हमने या मिला जुला के सारे माशरे ने, तो ये भी कर दी कि जी अच्छा जी वो जो मजदूर है वो बेचारा काबिल रहम है, और वो जो जहन से काम ले रहा है उसका कोई इशू नहीं है बेचारे का, उसको ना को मुँह लगाता है ना को पूछता है। हालांकि वो जो सफ़ेद पोश आदमी है जिसने इतनी जमातें 16 जमातें पढ़ी हैं या इससे भी ज़्यादा एम फिल किया या पी एच डी की, वो भी तो मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप लोग उसको उस खाते में ही नहीं रखते, वो आप सिर्फ उसको वो जो रेडी चला रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो ईंटें उठा रहा है, आप सिर्फ उसी को जो है ना मजदूर तसव्वुर करते हैं, और सारी हमदर्दियाँ उसके लिए हैं। जिस तरह हमारे वतन अजीज में सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो है लफ्ज़ गरीब। बिल्कुल। हालांकि आप ज़रा किसी गरीब के ज़रा हत्थे चढ़े ना, आपकी तबीयत साफ कर देगा वो, क्योंकि वो खुद को गरीब जो कह रहा है उसके लिए बैतुल माल भी है, ज़कात कमेटियाँ भी हैं, लोकल ज़कात भी उसके हिस्से में है, वो जो सरकारी इदारे भी है, ESP बना हुआ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वगैरह, ये भी सारे उसके लिए हैं। और आप ज़रा उसको ज़रा अपना घर का कभी आपने खुरा बनवाया हो ना, बिल्कुल ऐसे ही है, तो आपकी तबीयत साफ करके जाएगा वो, आपने घर तो खैर क्या बनाना, और वो आपको इतना नाको नाक कर देगा कि आप कहेंगे यार इस अजाब से तो जान छुड़ाएं। बिल्कुल। के जो मुसीबत में है वो बेचारा सफेद पोश है, जो सारे बिल भी अदा करता है, टैक्सेस भी अदा करता है, झूठ भी नहीं बोलता, खराबी भी नहीं करता, और इस वतन अजीज के लिए मुफीद शहर। बिल्कुल ठीक कहा आपने जाहिर साहब। कौल नबी है कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत दे दो। आज इस हदीस मुबारक पर कितना अमल हो रहा है, और मौजूदा हुकूमत एक मदीना की रियासत बनाने के अज़्म के तहत इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? झूठो झूठ है लोगों का, ये जो रियासत मदीना है और ये रियासत मदीना, ये इनका तसव्वुर है, इनको शर्म नहीं आती ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, इनकी हड्डटियाँ हरकतें देखें और इनका नाम इस्तेमाल करना है, मुतबर्रक नाम इस्तेमाल करके उसको ब्लैक मेलिंग के लिए लोगों के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है ये। वो जो फरमान है, फरमान नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल सच है, लेकिन उस पर इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कितना अमल हो रहा है? सब झूठ है, सब फ्रॉड है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पसीना खुश होने से पहले लोगों को मजदूरी मिल रही है। कौन सी मजदूरी मिलती है यहाँ पे? यहाँ तो एक ब्लैकमेलिंग है जो फ्रीकैन एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे ज़रा टमाटर कहीं किसी जगह थोड़े से अगर मार्केट में शॉर्ट हो जाएं तो वो कहता है जी नहीं जी 150 नहीं 300 रुपये किलो होंगे। बिल्कुल। तो ये सारे अब ये रमज़ानुल मुबारक का नेक महीना आ रहा है, इंशाल्लाह आपकी ऐसी तबीयत साफ़ होगी इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, अब तो वो अभी रियासत मदीना यानी हद हो गई, इनको किसी और चीज़ की मार पड़े ना पड़े, इस नाम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने पे इंशाल्लाह ताला ये जलील भी होंगे और रुस्वा भी होंगे। बिल्कुल जाहिद जंगवी साहब, इसी बात को ज़रा लाइटर नोट पे लाते हैं कि मज़दूर की अजमत क्या है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं ना कि जो है बहुत ही हम लोग
जो है उनको मजदूर कहते हैं और हमारे पास फीलिंग, तो जैसे कि मैंने बात की कि दर्द, एहसास और ख्याल, अगर हम इस बात को रखते हैं तो आपकी नज़र में क्या राय है कि मजदूर की क्या अजमत है? देखें, जो भी अपने हाथ से काम कर रहे हैं ना जी, वो मजदूर है। हाथ से काम करने से मुराद ज़रूरी नहीं है कि इंटे ही उठा रहा हो। बिल्कुल, जो लिख रहा है, जो पढ़ रहा है, जो मुल्क के लिए काम कर रहा है, किसी भी जगह जो भी एक मुफीद शहरी है, वो उसकी अजमत ये है कि अगर वो उस काम को अच्छा समझ के, मुफीद समझ के, नेक नियती के साथ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है उसके साथ अगर वो नेक नियती से है और वो ऑर्गेनाइजेशन भी उसके साथ नेक नियती से है, तो उसने हर सूरत में ग्रो करना ही करना है। आपने देखा ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जी, ये इतने सात समंदर पार से आके पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कर रही हैं, ये थर्ड वर्ल्ड में बिजनेस कर रही हैं। पाकिस्तान की कौन सी कंपनी है जो बाहर काम कर रही है? मल्टीनेशनल कंपनी कोई है? क्योंकि यहाँ तो फ्राडू काम है। बिल्कुल, जो आप उसका नाम रियासत मदीना रखें, तो आप चाहे उसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखें या जो भी रखें, अगर बदनीयती पे मबनी काम होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे नहीं वो बनी थी मक्का कोला, मदीना कोला, जद्दा कोला, इस्लामी कोला, गैर इस्लामी कोला, ये सारे फ्राडू थे ना। बिल्कुल, सो इस फ्रॉड में ना कोई अजमत है ना कोई और धंधा है। जहाँ बंदा ये महसूस कर रहा होगा ना कि मैं रब्बे करीम को जवाब दे हूँ, वो मुझे देख भी रहा है, और कोई एक रोज़ जजमेंट का भी है, मरने के बाद ही नहीं दिन में भी, वो किसी के साथ कोई ख़राबी करेगा ही नहीं, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास, उसके लिए गरीब होगा तो उसके अंदर एहसास होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी बंदा है, जहाँ भी है और दुनिया में जहाँ कहीं भी है, वो अगर औरों और लोगों के लिए मुफीद है तो वो फलदार दरख्त की तरह है, जो साया भी देता है फल भी देता है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, मिलते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। विजन टीवी के एक शो के पब्लिक ओपिनियन के एंकर्स हमारे साथ मौजूद हैं, शहरयार शेख और उनसा कियानी। वेलकम करते हैं हम आपको अपने शो में। शहरयार शेख साहब जी, उनसा कियानी, आप दोनों मिलकर ही शो करते हैं बाहर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मिलकर करते हैं और बड़ा अच्छा भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा करते हैं जी। आज लेबर डे के हवाले से बाहर आपने शो किया होगा यकीनन जी, तो बाहर लोगों के क्या तासुरात हैं, क्या चल रहा है बाहर, पब्लिक ओपिनियन क्या है आज के हवाले से? जी जहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया है कि बड़ा अच्छा हमें उसका रिस्पॉन्ड मिला है, क्योंकि हमने एक आम जो इंसान है जो कि लेबर है, चाहे वो एक कोई तंदूर वाला है वो रोटी लगा रहा है, या फिर एक कोई फेरी वाला है जो अपनी रेडी लगा कर खड़ा है, या फिर एक जो चिप्स स्टॉल वाले हैं, तो उनका यही कहना था कि छुट्टी हो या नहीं हो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं, हमारे लिए ही दिन रखा गया है जिससे हमें फ़ायदा ही नहीं है, कि हम अगर आज कुछ नहीं करेंगे, अगर हम छुट्टी लेकर घर बैठ जाएंगे तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे चलेगा, हमारे घर में दो वक्त की रोटी कैसे आएगी? तो जाहिर सी बात है हम खुद भी सोचते हैं इस चीज़ पर कि ये काम, ऑल दो हम भी एक लेबर में ही आते हैं, लेबर कैटेगरी में आते हैं, लेकिन द थिंग इज कि जो उनकी लेबर कैटेगरी है वो बहुत रफ एंड टफ है, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ है, एज यू नो एज वेल। बिल्कुल, इसी हवाले से हम उनसा कियानी की राय जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज हमने प्रोग्राम किया, हमने जाके मतलब मुख्तलिफ जो मजदूर थे उनके साथ किया, तो उन सब का यही कहना था कि ये छुट्टी जो हमारे लिए है और हमारे लिए ही मनाई जाती है, इस दिन हम छुट्टी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ये एक छुट्टी करते हैं तो हम चार दिन पीछे चले जाते हैं। हम पूरे दिन में जो मेहनत करते हैं उससे हम मतलब शाम में इतना कमा लेते हैं, इतना कमा सकते हैं सिर्फ कि जिससे हमारा एक दिन का जो खाना है, राशन है, वो पूरा होता है। तो अगर हम वो एक दिन छुट्टी कर लें और काम ना करें तो हमारे मतलब घर पर हम राशन या खाना नहीं लेके जा सकते, जिसकी वजह से हमारे बच्चे फिर भूखे सोते हैं। ये दिन तो हमारे लिए है लेकिन इसको हम ही सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ठीक, तो लेबर डे के हवाले से एक एक लाइन में आप अपना क्या हाजरीन को पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं तो सिंपली एक शेर में ये चीज़ नरेट करना पसंद करूँगा कि इस शहर में मजदूर जैसा कोई दरबदर नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका अपना ही कोई घर नहीं। उनसा आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मजदूर हैं, गवर्नमेंट को उनके लिए भी कोई ना कोई स्टेप्स लेने चाहिए कि अगर एक दिन जो कि सिर्फ उन्हीं के लिए है, उस दिन अगर वो छुट्टी करें तो ऐसा ना हो कि उनका इतना ज़्यादा लॉस हो कि वो चार दिन पीछे चले जाएं, बल्कि अगर एक दिन जो उन्हीं के लिए है उस दिन अगर वो भी छुट्टी करके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, इसको इन्जॉय करें, तो ऐसा हरगिज़ ना हो कि उनके लिए उस दिन जो है ना खाना तक ना वो कर सकें अपने लिए।
तो गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स जरूर लेने चाहिए कि वो लोग जो इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं, पूरा दिन गर्मी में, धूप में, हर तरह के मौसम में इतना काम करते हैं, एक दिन तो उनके लिए होना चाहिए। शुक्रिया उनसा, शुक्रिया शहरयार। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। जी, तो लेबर डे के हवाले से एक एक लाइन में आप अपना क्या हाजरीन को पैगाम देना चाहेंगे? लेबर्स डे जो है वो मज़दूरों का दिन होता है और मज़दूर ही ये दिन नहीं मना रहे होते। बेसिकली ये दिन होता ही मज़दूरों का है, लेकिन अमीर लोगों को इसके ज़्यादा, मतलब छुट्टी वगैरह अमीर लोग को ही दी जाती है, और गरीब लोग तो अपना काम ही कर रहे होते हैं और उनको अपने काम से ही फ़ायदा होता है, और अगर वो एक दिन भी अपना काम ना करें तो वो चार दिन पीछे चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर आप खुशहाल देखना चाहते हैं तो हमें अपने गरीब तबके के ऊपर जो है ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए, ज़्यादा उस पर जो है तो फोकस करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी यही मुनाफ़िकत है कि हम मज़दूर के नाम पर छुट्टी देते हैं मगर मज़दूर को ये छुट्टी नहीं होती। सब घरों में आराम से बैठे होते हैं मगर मज़दूर काम कर रहा होता है, तो ये बहुत बड़ी मुनाफ़िकत है। तो गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम करने चाहिए कि लेबर डे पे उन्हें फैसिलिटेट किया जाए, मज़दूरों को दिया जाए, उनके लिए आसानियां पैदा की जाएँ कि ताकि कि जो मज़दूर होते हैं वो दिहाड़ी पे होते हैं कि आज वो काम करेंगे तो वो अपने घर कोई राशन वगैरह ख़र्चा पानी लेके जाएंगे, अगर नहीं होगा तो वो खाली हाथ जाएँगे। तो इकदाम ऐसे करने चाहिए गवर्नमेंट को, सबको, कि जिससे उन्हें सहूलियात मुयसर। मैं इस दिन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि गुलाब भाई ने कहा कि अमीर आराम से घर में ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, छुट्टी का। गरीब जो होता है ना वो फिर भी इस छुट्टी को सेलिब्रेट नहीं करते, वो फिर भी इस दिन को ना वैसे ही करते हैं कि जैसे आम रूटीन में वो करते थे, बाहर जा के वो काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, ठीक है, जो भी उनके घर का राशन वगैरह होता है। क्योंकि वो अगर इस दिन में भी काम ना करें तो वो जो शाम के टाइम अपने घर में राशन वगैरह उन्होंने जो भी वो दाल चीनी आटा लेके जाना होता है वो नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो मैं इस दिन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इस दिन को ना वैसे ही मनाएं जैसे कि मज़दूर मना रहे हैं अमीरों से।